हाउस में हुई राधे माँ की धांसू एंट्री, ट्रेलर से विवादित राधे माँ कैसे बनी सुखविंदर कौर, मिठाई की दुकान चलाते चलाते कैसे चलाने लगी झूठ की दुकान, राधे माँ ने बढ़ाई भक्तों और फैंस की बेचैनी, बिग बॉस के घर में खुलेंगे राधे माँ के कई राज। वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट, टीवी की दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में खुद को देवी का रूप देने वाली स्वयंभू धर्मगुरु राधे माँ की एंट्री हो गई है। बिग बॉस के प्रोमो वीडियो में राधे माँ की जबरदस्त एंट्री ने फैंस और भक्तों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। हर बार की तरह जहाँ सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट्स को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, वहीं बिग बॉस के मेकर्स ने एक जबरदस्त सरप्राइज दिया है जिसमें राधे माँ बिग बॉस के घर में एंट्री लेती हुई दिख रही है। वीडियो में राधे माँ लाल रंग की ड्रेस में सज धज कर हाथ में त्रिशूल लिए एंट्री करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि राधे माँ बिग बॉस पर अपना आशीर्वाद लुटा रही हैं। उनको कहते हुए सुना जा सकता है कि ये घर हमेशा बना रहे, बिग बॉस इस बार बहुत चले। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हो सका कि राधे माँ ने बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली है या फिर वो सिर्फ एक मेहमान बनकर बिग बॉस के घर में आ रही है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि राधे माँ के साथ इस दौरान उनके कुछ भक्त भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एंट्री के साथ ही बिग बॉस ने राधे माँ का घर में स्वागत भी किया। राधे माँ की बिग बॉस में एंट्री की वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, बरसेगी सबकी कृपा इस शनिवार बिग बॉस के घर में। बिग बॉस सीजन 14 ग्रैंड प्रीमियर 3 अक्टूबर शनिवार रात 9 बजे। अब बिग बॉस में राधे माँ की एंट्री हो और उनके विवादों से भरी लाइफ का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाल कपड़ों में सजी धजी अंग्रेजी और हिंदी गानों पर झूमती राधे माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि वो तो राधे माँ बनने से पहले एक साधारण दो बच्चों की माँ थी। राधे माँ उर्फ सुखविंदर कौर ने मिठाई की दुकान चलाने वाले अपने पति के साथ घर चलाने के लिए ट्रेलर का भी काम किया है। उनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर में सरकारी अफसर के घर में हुआ था, हालांकि बाद में वो मुंबई चली गई और बोरीवली में अपना आश्रम चलाने लगी। राधे माँ की शादी 18 साल की उम्र में मुकेरिया के मनमोहन सिंह से हुई थी। शादी के बाद राधे माँ के पति कतर में नौकरी करने के लिए चले गए। इस दौरान राधे माँ और उनके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, यहाँ तक कि राधे माँ की माली हालत इतनी खराब हुई कि उन्होंने लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए। 21 साल की उम्र में सुखविंदर को उस समय नया जीवन मिला जब वो महंत रामाधीन परमहंस की शरण में पहुंची। परमहंस ने सुखविंदर को 6 महीने तक दीक्षा दी। अध्यात्म की दीक्षा ग्रहण करने के बाद परमहंस ने सुखविंदर को एक नया नाम दिया और उसके बाद से सुखविंदर राधे माँ के नाम से जाने जाने लगी। राधे माँ पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सिर्फ आशीर्वाद देने में नहीं बल्कि जादू टोना भी करती है। राधे माँ के भक्तों के अनुसार उनमें देवी शक्ति है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो चमत्कार कर सकती है। राधे माँ पर कई सारे केस दर्ज हैं। यही कारण है कि राधे माँ अपने प्रोविजनों की वजह से कम बल्कि अपने अनोखे अंदाज और आशीर्वाद के लिए ज्यादा जानी जाती है। राधे माँ का एक अच्छा शौक भी है, वो नाचने में इतनी खो जाती है कि भक्तों की गोदी में कब जाकर बैठ जाए और झूमने लगे कोई नहीं कह सकता। उनकी इस तरह की वीडियो और अश्लील डांस के वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, जिसकी वजह से राधे माँ मीडिया से दूर ही रहती हैं। उनके साथ सिर्फ उनके भक्त ही रहते हैं और मजाल है जो भक्तों के सामने राधे माँ से कोई सवाल पूछ ले। राधे माँ के वैसे तो हम सभी ने कई रूप देखे हैं, लेकिन बिग बॉस के रियलिटी शो में राधे माँ की रियल लाइफ खुल सकती है, जिसका फैंस और भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राधे माँ बिग बॉस में हर हफ्ते 25 लाख रुपए लेंगी। जी हाँ, ये उनका मेहनताना है। बिग बॉस की हर अपडेट से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। अगर आप भी बिग बॉस की हर अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो आज ही अपने फेवरेट चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब, ताकि आप रह सकें बिग बॉस की हर अपडेट से अपडेट।